हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज इतने दिनों के बाद, काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, क्योंकि जॉब में मसरूफ़ था इस वजह से। तो आज आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि जर्मनी में पेट्रोल की कीमतें क्या हो गई हैं, पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है यहाँ पर। भाई, पेट्रोल की कीमतें हैं वो आसमान से बात कर रही हैं। पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है, पहले मैं 150 यूरो का, 150 यूरो जो मेरा खर्च होता था पेट्रोल का, वो होता था मंथली। अभी मेरा पेट्रोल खर्चा हो रहा है मंथली तकरीबन 300 यूरो। अभी आप खुद अंदाज़ा लगाए वो प्राइस क्या हो गई है, डबल हो गई है। पेट्रोल की कीमत आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले, पेट्रोल की जो कीमत थी वो 1 यूरो तकरीबन 40 सेंट, 40 से 35, 40-50 के दरमियान थी। और डीज़ल की जो प्राइस थी, वो डीज़ल की प्राइस थी तकरीबन 1 यूरो 20 से लेकर 1 यूरो 30 तक थी। अभी जो पेट्रोल की प्राइस है, और पेट्रोल और डीज़ल की जो प्राइस है वो इतनी हाई हो चुकी है कि लोगों ने अभी गाड़ियाँ चलाने छोड़ दी है। मैं आप लोगों को प्राइस दिखाता हूँ आज के प्राइस क्या है। अभी टोटल पेट्रोल पंप के 1 यूरो 74 सेंट ट्रक डीज़ल, नॉर्मल डीज़ल है 1 यूरो 76 सेंट, और जो हाई स्पीड डीज़ल है वो है 1 यूरो 92.9, और सुपर है नॉर्मल सुपर, और जो सुपर AKE 10 वो स्कूटर वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, और जो गाड़ियों के लिए वो सुपर है 185 यूरो का, और जो हाई सुपर हाई ऑक्टेन है वो 2 यूरो 29 सेंट का है। ये आज के रेट है, ताज़े ताज़े मतलब लेटेस्ट। अभी आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइजेस कितने हाई हो चुके हैं। पहले के हिसाब से अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका है, यहाँ पे महंगाई बहुत हो चुकी है जर्मनी में। यहाँ पे लोग बाहर नहीं निकल रहे, वरना लोगों का हाल बहुत बुरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है। इस वजह से गवर्नमेंट ने कल ऐलान किया है, बहुत अच्छा ऐलान किया है, इस पे मैं गवर्नमेंट को एक सलाम दे देता हूँ कि अच्छा इन लोगों ने ये काम तो किया। गवर्नमेंट ने इतने दिनों के बाद, समझो जो बेसिक जो पेमेंट है, जो बेसिक है वो कहीं भी आप काम करेंगे, बेसिक पेमेंट है 12 यूरो, पहले थी 10 यूरो, अभी कर दी 12 यूरो पेमेंट, बेसिक पेमेंट। मतलब आप कहीं भी काम करेंगे 12 यूरो से आपसे आपको कम कोई भी नहीं देगा, क्योंकि वो लॉ के हिसाब से आपको 12 यूरो देगा। अगर अच्छी कंपनी है वो आपको 12 से ज़्यादा देगी, जैसे मेरी कंपनी है मुझे 12 यूरो से ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जी, अभी आप लोग वही बता रहा था कि पेट्रोल कितनी ज़्यादा प्राइस हो चुकी है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, गैस महंगी हो चुकी है, मतलब हर चीज़ महंगी हो चुकी है, ट्रक के डीजल महंगा हो चुका है। मतलब कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, जर्मनी में भी हो रही है, मगर यहाँ पर आप लोगों को बाहर नहीं निकलते देखोगे। क्यों नहीं निकलते? सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ पर लोग बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करते, रोड पे टायर नहीं जलाते। क्यों नहीं जलाते? देखें, अभी महंगाई हो गई, पेट्रोल बढ़ गया, गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ऐसे नहीं लोग एहतजाज के लिए बाहर निकले। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो बेसिक पेमेंट है 10 यूरो से 2 यूरो बढ़ा दिए। लोग खामोश हो गए, हर बंदे ने कहा अच्छा हुआ यार हमारी पेमेंट 10 यूरो थी, 12 यूरो गई। वो खुश हो गए, खामोश हो गए। अभी दूसरी बात ये, जर्मनी में बिजली महंगी हो गई। अच्छा भाई, जब बिजली महंगी हो गई, इन लोगों ने क्या किया, बिजली की प्राइस बढ़ा दी, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया। फिर हर किसी को क्या किया कि हर फैमिली को 1 महीने का बोनस दे दिया बिजली का, समझो 500-1000 यूरो हर फैमिली को दे दिया। फिर खामोश हो गए, कोई भी एहतजाज नहीं कर रहा। पहले गालियां दे रहे थे, गवर्नमेंट ये, गवर्नमेंट काम, गवर्नमेंट कुछ नहीं, सबके अकाउंट में आ गए। फिर दूसरी, ओल्ड हाइम में, ओल्ड हाउस में जो जो लेडीज़ काम करती हैं, जो बूढ़े लोगों को जहाँ पे रखा जाता है उनकी केयर करती हैं,
उन लोगों ने बहुत शोर किया, जिसमें मेरी सास भी है, वो भी ओल्ड हाउस में काम करती हैं। तो उसने कहा कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, ये करते हैं, कोरोना में हमें पैसे नहीं देते, ये नहीं करते, वो शोर। इन लोगों ने बीच में प्लान बनाया था, सारे ये जो वर्कर्स हैं ब्रंडनबर्ग बर्लिन के, कि हम एहतजाज करेंगे कि हमें पैसे दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हर किसी को 1200 यूरो उनको दे दिए। तो उस दिन मेरी सास आई, बहुत खुश थी। मैंने पूछा क्या हुआ, बोला कि मुझे बोनस मिला है। तो मैंने कहा तुम लोग तो एहतजाज, बोला नहीं नहीं एहतजाज नहीं, ख़त्म हो गया, बस पैसे मिल गए, खामोश हो गए। गवर्नमेंट क्या है, यहाँ की गवर्नमेंट है ना, वो बंदों को सोच समझती हैं कि बंदे क्या क्या चाहते हैं, कैसे उनको डील करना है, उनको डील करना आता है, उनको डील करना ऐसा आता है जैसे अभी कोई चीज़ महंगी करते हैं बोनस दे दिया भाई, ये चीज़ वो चीज़ सब में बोनस दे दिया, तो बंदे भाई खुश हो गए। बीच में क्या हुआ, अंडे थोड़े महंगे हो गए, अंडे महंगे हो गए तो भाई हर जगह पे, हर मार्केट में ना उन लोगों ने अंडे महंगे जैसे हुए, 2-3 दिन के बाद अंडे सब सस्ते देना शुरू कर दिए भाई, एक अंडे का पैकेट लो दूसरा फ्री। लोगों के दिमाग में वो था कि अंडे महंगे हो गए, तो वो दिमाग से निकल गया, लोगों को अंडे सस्ते मिले। 2-3 हफ्ते तक नहीं, एक हफ्ता अंडे कम प्राइस में मिलते रहे, तो लोग खुश हो गए, यार अंडे फिर वही प्राइस वो हो गई, मतलब सेम प्राइस हो गई। आज वीकेंड है, काम से घर आया हूँ, अभी घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। पहले आया था यहाँ से कुछ सामान, मैंने कहा पेट्रोल भी डलवा लेता हूँ, क्योंकि मैं काम करता हूँ कि जैसे पेट्रोल सस्ता होता है, मतलब सस्ता नहीं होता, मतलब ये होता है कि मैं ना पैसे, जैसे पहली तारीख हो गई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं हर जो पेट्रोल पंप है ना उसका मैं कार्ड ले लेता हूँ, उस पर मैं पैसे भरवा लेता हूँ 20 यूरो। तो टोटल पेट्रोल पंप हो गया, शेल हो गया, हेम हो गया, और बहुत सारे पेट्रोल पंप है, फिर मैं उनके ना 10-10, 20-20, 15-15 यूरो के कार्ड ले लेता हूँ। फिर ये होता है कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते, फिर मुझे काम पर जाना है, फिर मैं वो कार्ड इस्तेमाल करता हूँ, फिर मैं कार्ड से पेमेंट करता हूँ, उनको कार्ड देता हूँ, फिर वो कार्ड से मैं पेमेंट कर, मतलब पेट्रोल भरवाता हूँ, डीजल जो भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कार्ड कैसे हैं। अभी ये शेल का प्रीपेड कार्ड लिया है, तो प्रीपेड कार्ड मतलब मैं डीजल भरवा सकता हूँ, पेट्रोल, तो ये मैंने प्रीपेड कार्ड लिया है शेल का। तो इससे ये होता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं भी होते, कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान के पास पैसे नहीं होते, सैलरी लेट आ जाती है, सैलरी लेट नहीं आती, सैलरी टाइम पर आती, मतलब कुछ भी हो जाता है तो पैसे नहीं होते, या गाड़ी ख़राब हो गई उसकी रिपेयरिंग के लिए, तो कार्ड में ना रख देता हूँ। तो कार्ड से मेरा ये होता है कि मैं पेट्रोल भरवा, अभी देखें ये मेरा कार्ड है, ये लास्ट कार्ड बचा है शेल का, तो अभी कब यूज़ करूँगा, जब पैसे नहीं होंगे तो फिर इसको यूज़ करूँगा। अच्छा भाई मैं तो चलता हूँ अभी घर, सुबह 6-5 बजे से मैं निकला हुआ हूँ काम पर, अभी घर पहुँचा हूँ, जुमे का दिन भी है, तो इंशाल्लाह कल बच्चों के साथ बाहर जाएंगे, कोई वीडियो शीडियो बनाएंगे, काफ़ी टाइम हो गया, हफ्ते हफ्ते के बाद वीडियो बन रही है, तो इंशाल्लाह कल एक आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, बच्चों के साथ सिनेमैटिक वीडियो लेकर आऊँगा। चलें फिर, सबको जुमा मुबारक और हैप्पी वीकेंड। ओके फिर, जर्मन में ना, जर्मन लोगों ना उनको बोलते हैं ना, जैसे वीकेंड होता है ना, तो उनको बोलते हैं शोनिस वोकनेंडे, शोनिस वोकनेंडे मतलब नाइस वीकेंड, हैव अ नाइस वीकेंड, तो बहुत खुश होते हैं। फिर वो चाहे आप किसी को जानते भी ना हो, कोई भी किसी को नहीं जानते, आप चलते चलते किसी को बोल देंगे ना, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो, आप उसको बोले शोनेस वोकनेंडे, तो बहुत खुश हो जाएंगे आपको, हाँ आपको भी शोनेस वोकनेंडे, ये वो। तो वीकेंड है ना जर्मन में, बहुत खुश होते हैं उस दिन, उस दिन समझो तो इनकी जैसे ईद होती ना हमारी ईद की तरह, वो बहुत खुश होते हैं। तो सबके लिए, मेरे सब जो देख रहे हैं मुझे, जो नहीं देख रहे, जो नहीं देखना चाहते, जो देखना चाहते हैं, सबके लिए शोनेस वोकनेंडे जर्मनी में। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।